हेलो एवरीवन वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट आज हमारे कंप्यूटर साइंस में सी लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास फोर है बेसिक सिंटेक्स के ऊपर बेसिक सिंटेक्स क्या होता है सी लैंग्वेज का राइट right? Uh, इससे पहले हम टोटल फो थ्री क्लासेज कम्प्लीट कर चुके हैं सी लैंग्वेज की क्लास वन में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज कि सी लैंग्वेज होती क्या है सेकेंड क्लास में वेरिएबल्स कैसे यूज होते हैं सी लैंग्वेज में थर्ड क्लास में हमने स्ट्रक्चर किया था सी लैंग्वेज का कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी लैंग्वेज का जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाली हुई हैं और कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लासेस देखना चाहता है कंप्यूटर बेसिक्स की क्लासेस देखना चाहता है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज की क्लास फोर बेसिक सिंटिक्स क्या होता है सबसे पहले बेसिक स्ट्रिंग सिंटेक्स के से पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सी लैंग्वेज का कि स्ट्रक्चर क्या है हमारा सी प्रोग्राम का ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखी क्लासेस लास्ट क्लास नहीं देखी लास्ट थ्री क्लासेस तो आप वो देख सकते हैं सब्सक्राइब करो चैनल को तो आपको आने वाली न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी राइट इस सो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि ब्लॉक स्टार्ट होता है हमारा ऐसे ब्लॉक स्टार्ट होता है ये ब्लॉक बंद होता है ठीक है यानी कि ये कर्लिब्रेश स्टार्ट कर्िब्रेश क्लोज ये पूरा क्या हो गया हमारा ब्लॉक हो गया कि इसका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अब अब इसमें स्टार्ट करते हैं कि बेसिक सिंटिक्स क्या होता है सी लैंग्वेज का राइट right? अब इसमें हमारे टोकन्स टोकन्स यूज होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में टोकन्स कैसे यूज़ होते हैं आप देख सकते हैं जैसे सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन्स काफ़ी टोकन्स होते हैं और एंड ए टोकन इज़ इधर कोई टोकन होता है वो कीवर्ड भी हो सकता है आइडेंटिफायर भी हो सकता है कांस्टेंट भी हो सकता है स्ट्रिंग लिटरल भी हो सकता है और सिंबल भी हो सकता है ये सारे क्या हैं टोकन् फॉर द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ़ फ़ाइव टोकन्स फाइव ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज की या सी की स्टेटमेंट जो है इसमें टोटल फाइव टोकन्स यूज हुए हैं प्रिंट एफ कर्लीब्रेस स्टार्ट आ, आ, फिर देन ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है देन ये बंद हो रखी है ब्रैकेट और देन ये कोलन है ये टोटल फाइव टोकन्स इसमें यूज हो रखे हैं आपको इंडिविजुअल में दिखा देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये इंडिविजुअल टोकन हैं सबसे पहले प्रिंट एफ फर्स्ट टोकन राइट स्टार्ट ये सेकंड टोकन ये लिखा हुआ है ये थर्ड टोकन देन ये बंद हो गई ब्रैकेट देन ये हो गया फोर्थ टोकन और ये सेमिकोलन है ये हो गया फिफ्थ टोकन टोटल कितने टोकन हमारे इसमें यूज हुए हैं फाइव टोकन्स राइट अब समझ आ गया होगा आपको की टोकन uh, क्या क्या होते हैं राइट right? देन आता है हम सेमिकोलन सेमिकोलन के बारे में हम डिस्कस करते हैं सेमिकोलन में क्या है बेसिकली सेमिकोलन इज ए स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है मतलब कोई भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसके लास्ट में हमारा क्या लगता है सेमिकोलन लगता है उसे क्या कहते हैं हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर उसे क्या कहते हैं हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर दैट इज़ ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद अ सेमिकोलन मैंने बताया था एवरी स्टेटमेंट जो भी होती है उस किससे एंड होएगी वो सेमिकोलन से मतलब इंडिविजुअल स्टेटमेंट इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ वन लॉजिकल एंटिटी उसे क्या कहा जाता है लॉजिकल एंटिटी, लॉजिकल एंटिटी कहते हैं उसे राइट गिवन बिलो आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स देखो प्रिंट एफ क्या हमने प्रिंट किया हैलो वर्ल्ड हैलो वर्ल्ड के लास्ट में ये है सेमिकोलन है यानी कि ये क्या है? हमारी एक लॉजिकल एंटिटी है एंड और है. रिटर्न जीरो फिर ये हमारा सेमीकोलन है यानी कि स्टेटमेंट के बाद ये भी हमारा सेमीकोलन है मतलब एवरी स्टेटमेंट मस्ट एंडेड विद द सेमिकोलन ये भी क्या है हमारी लॉजिकल एंटिटी है तो ये दोनों क्या होगी हमारी लॉजिकल एंटिटी राइट right? देन आते हैं कमेंट्स हम कमेंट्स कैसे देते हैं सी लैंग्वेज में कमेंट्स आर लाइक हेल्पिंग टेक्स्ट कमेंट्स क्या होते हैं जस्ट लाइक हेल्पिंग टेक्स्ट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा आ, किसी को अगर हमें कुछ बताना हो तो हम कमेंट दे के बता सकते हैं कि इसका मतलब ये है एंड दे आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर और कंपाइलर उसे कंपाइल करते टाइम उसे इग्नोर कर देता है राइट दे स्टार्ट विद स्लैश स्टार स्लैश स्टार से ये स्टार्ट होता है एंड टर्मिनेट विद स्टार स्लैश स्टार स्लैश से ये एंड होता है एज़ शोन बिलो आपको ये दिख रहा है लाइन माई फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग सी में ने ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमने ये स्टार्ट किससे किया स्लैश uh, स्टार star से स्टार्ट किया स्टार स्लैश से बंद किया ये है स्टार्टिंग और ये है एंडिंग दिस इज़ स्टार्टिंग दिस इज़ एंडिंग मतलब हमारा कमेंट इन दोनों के बीच में आएगा राइट ये है अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स देना हो ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स अगर माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी है ना वो नेक्स्ट लाइन में इधर लिखे इन सी हाँ और फिर इधर स्टार लगा दें इधर ये वाला लगा दें तो यानी कि हमें ये वाला जो स्टार स्लैश है ये हम यहाँ लगाएंगे तो यानी कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से हमारा क्लोज़ हुआ मतलब ये पूरा क्या है हमारा कमेंट है राइट right. अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट देना है अगर हमें ये स्टार्टिंग नहीं लगानी या एंड नहीं लगाना तो हम एक सिंगल लाइन कमेंट भी होता है तो उसको हम इससे स्टार्ट करते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी एस नेक्स्ट लाइन में हमें कमेंट देना वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड थर्ड लाइन में कमेंट देना हो मेन फंक्शन ऐसे करके हम दे सकते हैं ये क्या है हमारे सिंगल लाइन कमेंट और ये क्या है हमारे मल्टीपल लाइन कमेंट राइट अब आगे होगा समझ यू कैन नॉट हैव कमेंट्स विद इन कमेंट्स एंड दे डू नोटर विद इन अ स्ट्रिंग और करेक्टर्स लिटरल राइट देन आता है हम करते हैं आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर क्या होता है सी आइडेंटिफायर इज़ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सी आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं फंक्शन और एनी अदर यूज़र डिफाइंड आइटम जो यूजर ने अपने आप आइटम uh, अपनी यूजर डिफाइंड बनाई हो उसके लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर का एंड आइडेंटिफायर स्टार्ट विद स्टार्ट विद ए टू जेड ए टू जेड से भी स्टार्ट हो सकता है स्मॉल ए टू जेड स्मॉल ए टू जेड करेक्टर से भी स्टार्ट हो सकता है और एन अंडर स्कोर अंडर स्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है फॉलोड बाई ज़ीरो और मोर लेटर्स ज़ीरो भी इंक्लूड हो सकते हैं और इसमें और लेटर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं अंडरस्कोर भी यूज़ होता है डिजिट्स भी यूज़ हो सकते हैं ज़ीरो टू नाइन क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी सबसे पहले लेटर कैपिटल लेटर ए टू जेड स्मॉल लेटर ए टू जेड अंडरस्कोर भी यूज़ हो सकता है अंडरस्कोर भी यूज़ हो सकता है फॉलोड बाई ज़ीरो और मोर लेटर्स काफ़ी लेटर्स भी यूज़ हो सकते हैं अंडर यूज़ हो सकता है, है, है और डिजिट्स ज़ीरो टू

एंड मैन पावर आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स इन सी अब ये डिफरेंट कैसे है और ये दोनों ये दोनों डिफरेंट है बिकॉज जो कैपिटल है एम मैन पावर का एम ये हमारा अलग आइडेंटिफायर है और ये मैन पावर का इसमें एम क्या है हमारा स्मॉल लेटर्स में है तो ये आइडेंटिफायर है दोनों को ये सेम नहीं समझेगा और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट हेयर आर सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ अक्सेप्टेबल आइडेंटिफायर्स जो अक्सेप्ट करती है हमारी सी लैंग्वेज वो कौन कौन से आइडेंटिफायर्स है जैसे एम ओ एच डी माई नेम फिफ्टी आर ई टी वी एल जारा मैंने कहा था ना फोलोड बाई ज़ीरो अंडर स्कोर से भी होते हैं हमारे ठीक है तो अंडर स्कोर टैंप ठीक है टैंप जे एंडर स्कोर वन टू थ्री ये भी हो सकता है ए बी सी ये भी आइडेंटिफायर है ए टू थ्री बी नाइन ये भी आइडेंटिफायर मूव अंडर स्कोर नेम ये भी हमारे आइडेंटिफायर्स है मतलब ये सारे क्या हो गए हमारे आइडेंटिफायर्स हो गए सी लैंग्वेज में और भी हम बना सकते हैं आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स भी हम बना सकते हैं राइट नैन आते हैं कीवर्ड्स कीवर्ड्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में फॉलोइंग लिस्ट शोज द रिजर्व कीवर्ड्स रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में दिस रिज़र्व कीवर्ड्स वर्ड्स में नॉट बी यूज एज कॉन्सटेंट्स उसको कॉन्सटेंट्स में को मैनी यूज़ करना करना दे रिज़र्व वर्ड्स मे नॉट बी यूजड एज कॉन्सटेंट्स वो कॉन्सटेंट्स में यूज़ नहीं होते और वेरिएबल्स वेरिएबल्स में भी यूज़ नहीं हो सकते और कोई आइडेंटिफायर का नेम भी नहीं हो सकता ये अलग ही हमारे क्या होते हैं की होते हैं वो हम लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन से हमारे की हैं वो आप देख सकते हो सबसे पहले आता है ऑटो एल्स लॉन्ग स्विच डिफॉल्ट डू कंटिन्यू ब्रेक एन रजिस्टर टाइप डेफ इफ इंट गो टू केस एक्सटर्न रिटर्न यूनियन वाइल स्टैटिक साइज ऑफ कैर फ्लोट शॉर्ट अनसाइंड स्ट्रक्ट अंडरस्कोर पैक्ड वॉलेटाइल कॉस्ट फॉर साइंड वॉइड एंड डबल ये सारे क्या हैं कीवर्ड्स हैं इसमें से बेसिकली जो यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एल्स हो यूज़ होता है लॉन्ग होता है स्विच होता है डिफॉल्ट भी होता है डू कंटिन्यू ब्रेक इफ़ इंट गो टू केस रिटर्न यूनियन वाइल स्टैटिक साइज ऑफ कैर फ्लोट शोट अनसाइंड कौस्ट फोर ड डबल ये ये यूज़ होते हैं मतलब ये सारे हमारे क्या हैं कीवर्ड्स हैं अगर आपको लैंग्वेज uh, में जब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे अगर उसमें आपको इनमें से कुछ भी दिखेगा तो वो क्या आप समझ लेना है वो क्या है हमारे कीवर्ड्स हैं राइट अब नेक्स्ट आते हैं वाइट स्पेसिज इन सी वाइट स्पेसिस इन सी में क्या है इसमें क्या होता है A line containing only white space, possibly with a comment, possibly with a कमेंट जैसे हम सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं इसमें कुछ भी लिखेंगे हमारे बीच में हम स्पेस देके कुछ और लिखेंगे फिर बीच में स्पेस देके फिर हम कुछ और लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम ये वाइट uh, स्पेसेस कहते हैं इज नोन एज ब्लैंक लाइन एंड ए सी कंपाइलर टोटली इग्नोरस इट टोटली उसे वो क्या करता है सी कम्पायलर टोटली उसे क्या करता है इग्नोर करता है वाइट स्पेस इज़ ए टर्म यूज इन सी जो वाइट स्पेस है टर्म यूज़ होती है सी में क्या डिस्क्राइब करने के लिए ब्लैंक्स टैब्स टैब लाते हैं तो हमारी थोड़े से आगे जाती है न्यू लाइन करेक्टर एंड कमेंट्स इनके लिए हमारे वाइट स्पेस टर्म यूज होती है किस में सी लैंग्वेज में वाइट स्पेस सेपरेट वन पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम अनदर सेपरेट करता है एक पार्ट स्टेटमेंट का फिर दूसरी आती है एंड एनेबल्स द कंपाइलर टू आइडेंटीफाई वेर वन एलिमेंट इन स्टेटमेंट इज इंट एंड नेक्स्ट एलिमेंट बिगिनस देयर फॉर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैसे हम देखते हैं स्टेटमेंट में देखो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं जैसे इंट एज है इंट एज है इसमें Uh, there must be at least one white space character, one white space है int और age के बीच में थोड़ा सा स्पेस है मतलब वन white स्पेस character, है यूजली अ स्पेस बिटवीन इंट एंड एज मैंने आपको बताया था ठीक है int और एज में सिर्फ एक थोड़ी सी स्पेस है ठीक है किसके लिए कंपाइलर के लिए टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश देम कि वो इसको डिस्टिंग्विश करे कि इंट क्या है एज क्या है राइट ऑन द अदर हैंड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो हमारी स्टेटमेंट है जैसे फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल प्लस ऑरेंजेस और इस इससे हमने क्या दे दिया सिंगल लाइन कमेंट में बताया था ना कि इससे हम सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं गेट दी टोटल फ्रूट मतलब जो एप्पल्स का टोटल होएगा ऑरेंजेस का टोटल होएगा तो वो किस में टोटल आ जाएगा उसका फ्रूट्स में आ जाएगा नो वाइट स्पेस करैक्टर्स आर नसेसरी इसमें वाइट स्पेस करैक्टर नेसेसरी नहीं है जरूरत नहीं है इसमें बिटवीन फ्रूट एंड एकवल्स टू फ्रूट एंड एकवल्स टू में हमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है वाइट स्पेस देने की जरूरत नहीं है और बिटवीन इक्वल टू एंड एप्पल इक्वल टू और एप्पल के बीच में भी देने की जरूरत नहीं है ऑल द यू आर फ्री टू इंक्लूड सम इफ़ यू विश टू इंक्रीज रिडेबिलि हम इसमें स्पेस दे सकते हैं अगर हमें इसको रीड करना चाहें यूज़र की रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग राइट right? मैब आपको समझ आ गया होगा कि वाइट स्पेस बेसिकली क्या होता है सी लैंग्वेज में कैसे हम वाइट स्पेस का यूज़ करते हैं आज के लिए बस इतना ही कल हम मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ सी लैंग्वेज में जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आ, वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अगर आपको मेरे इस चैनल की इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और आप सिंपली टच सिंपली आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाके कर डी सी एस स्टडी पॉइंट किससे आप सर्च कर सकते हैं डी सी एस स्टडी पॉइंट से तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको इस वीडियो की पी उधर अवेलेबल हो जाएगी मिल जाएगी मतलब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलो थैंक यू